के बारे में मैंने देखा है कि भाई वो अपनी अर्निंग्स की ज्यादा बात नहीं करते, मतलब ये नहीं बताते भाई पैसा आ कहाँ से रहा है, कोई बेटिंग कंपनीज दे रही है, किधर से आ रहा है, मतलब बड़ी गेम उनकी अप होती है, अंदर अंदर ही वो सब कुछ कर रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं बताते। यहाँ पे भाई वो भी सही है अपनी जगह पे, कुछ लोग शो ऑफ नहीं करना चाहते, जो मैं भी नहीं करना चाहता, बस ऐसे ही हमारा कंटेंट इस तरह का है तो मुझे बनानी पड़ती है। बहुत से लोग जो है वो अपनी इनकम नहीं दिखाना चाहते, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो भाई बिल्कुल ठीक बात है, जरूरी नहीं है। बट भाई ये क्या होता है कि भाई मैं इतनी कमाई कर लेता हूँ, भाई मैं अच्छे आईफोन ले सकता हूँ, मैं आईफोन का शोरूम खरीद सकता हूँ, मैं फलानी ऑटो गाड़ी ले सकता हूँ, भाई फिर ये वाली भी चीजें मत किया करो, सीधा बोलो नहीं बतानी जाओ। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ 2022 के अंदर, कि मैं सो के उठता हूँ सुबह और मैं ऐसे ही, मेरी आदत है कि हमने मेल वगैरह चेक करता हूँ कि भाई कहाँ से क्या मेल आए हुए। तो हमें एक मेल आता है कि भाई मेरा नाम है राम, राम परमोद, और मैंने कहा भाई ये तो कोई इंडियन है, लेकिन वो बंदा साइप्रस में था। तो मैंने जब वो चीज देखी मैंने कहा यार ये लगता है कोई गेम अप होने वाली, वैसे वो था इंडियन ही पर साइप्रस में रहता था। तो उसने कहा कि भाई हमारी एक होस्टिंग कंपनी है, hostinger.com उसका नाम है, हम आप लोग आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहता है कि आप ऐसे वैसे लेते हो? मैंने कहा भाई मैं लेता हूँ सीधा सीधा $600 एक वीडियो का। अब मैं तो बड़ा खुश कि भाई $600 मतलब सीधा सीधा 1.5-2 लाख रुपए एक वीडियो इनकी करनी होगी। कहता हम हर मंथ आपसे एक वीडियो बनवाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा वीडियो के अलावा भी हम होस्टिंगर से पैसा हमने बनाया, वो भी आगे बताऊंगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। जैसे ही मैंने उनको बोला कि भाई $600, तो उन्होंने भाई फौरन से यहाँ कर दिया और मैं सर पकड़ बैठ गया, यार ये गलत हो गया, ये मैंने गलत कर दिया, क्योंकि भाई मैं 1000 भी तो मांग सकता था, 1200-1500, बट भाई हम गरीब लोग हैं, हम इतने में खुश हो जाते हैं $600-800 में, मतलब 600 बड़े थे मेरे लिए उस टाइम पे। अब भाई क्योंकि होस्टिंगर मैं खुद यूज करता हूँ, आप में सब लोग ही तकरीबन जानते हो जो वीडियो देख रहे हैं कि भाई हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं गूगल एडसेंस के साथ, और भाई उससे हमारा अच्छा पैसा डॉलर आते हैं, तो हमारी लाइफ जो है वो चलती है। तो सीन ये है कि हम लोग होस्टिंग और डोमेन के लिए होस्टिंगर को यूज भी कर रहे थे, तो भाई मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है कि भाई जिनके मैं प्रोडक्ट यूज करता था वो कंपनी वाले खुद मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे लिए काम करो। मैंने कहा क्या बात है। 2 महीने भाई मैंने उनकी एक एक वीडियो बनाई, तो भाई मेरे लिए तो 1.5 लाख रुपया $600 आ रहे हैं, फ्री के आ रहे हैं, क्या सीन है, वीडियो वैसे भी बनानी होती थी, मैं खुश बड़ा। अब भाई एक 23-22-23 साल के बच्चे के लिए बड़ी बात थी, 2022 की बात कर रहा हूँ। अब 2 महीने गुजरने के बाद मुझे उनका दोबारा मिला था और वो बोलते हैं भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, अब आप हमारे लिए मंथ में 2 वीडियो करोगे $1200। मैंने कहा भाई मजे नहीं आ गए, यूट्यूब एडसेंस से हमारे कुछ $700 बनते थे, $500-700। मैंने कहा यार ये काम करना पड़ेगा, ये बेस्ट है। मैंने कहा भाई डन करो तुम, मैंने कंटेंट भी उस रिलेटेड था, तो मैंने उस पे जो है फिर मंथली 2 वीडियो करना स्टार्ट कर दिया। अब भाई एक बंदा जब देखता है कि भाई $1200 आ रहे हैं, मतलब $1200 मैं वैसे ब्लॉगिंग से या यूट्यूब से या दूसरे स्पॉन्सर से बना रहा था, बट उनमें जितनी एफर्ट लगती थी यहाँ से इतनी नहीं लग रही थी, मतलब इजी सीन था, मेरा अपना कंटेंट था, उसके अंदर एक उनका ऐड डालना होता था, मेरे मजे थे। 1200 पर मंथ तो मैं उनसे बना रहा था, बट साथ ही साथ भाई उन्होंने बीच बीच में 3-3 वीडियोस भी मुझसे बनाई, और कभी कभी मुझे ज्यादा भी पे करते थे, जब उनकी कोई सेल वगैरह वाला सीन होता था ज्यादा पैसे पे करके मुझसे वीडियो बनवा लेते थे। तो मैं तो भाई बड़ा खुश था। इस चीज से आप आइडिया लगाओ कि भाई यूट्यूबर स्पॉन्सर से कितना कमाते हैं। एक स्पॉन्सर अगर आपको $1200 दे रहे, तो भाई $1200 पाकिस्तान के हिसाब से एक बहुत अच्छी पे में आता है। $1200 को आप हायर एंड पे ही बोल सकते हो, एक अच्छी पे है पाकिस्तान में, जिस तरह मतलब लिविंग कॉस्ट जो है $1200 में, मेरे ख्याल में आप मंथली अगर आपकी है इनकम, तो आप एक बहुत अच्छा नहीं बट एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हो। इस तरीके से होस्टिंगर तकरीबन मुझे जो है $29,000 जो है वो अब तक दे चुका है। थोड़ा बहुत अपडाउन हो सकता है मुझे, क्योंकि बीच में एक आध मंथ शायद मैंने उनके लिए वीडियो नहीं की थी, कुछ मंथ ज्यादा मतलब की थी, 2 या 3 मंथ ऐसे थे जब उन्होंने मुझे $1800-2000 दिए। अब रफली मैंने होस्टिंगर से $29,000 जो है एज अ लाइक उनके लिए काम करके उनके लिए वीडियोज बना के बनाए। बट भाई ये नहीं, साथ एक मजे की चीज हुई, मुझे उस बंदे ने बोला कि यार तुम्हारी वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और क्योंकि मुझे एफिलिएट जो था मतलब इतना नहीं था कि भाई पता नहीं मेरे लिंक से लोग जाते हैं नहीं जाते, बट मैं ये नहीं चीज समझ रहा था कि यार उनको फायदा हो रहा है तभी वो मुझे पे कर रहे हैं। मैं जस्ट अपने एक वीडियो बना देता, एफिलिएट का नीचे लिंक दे देता, और मेरा कोई होस्टिंगर से एफिलिएट से पैसे कमाने का कोई था, और मुझे ये आइडिया नहीं था, मैं एफिलिएट वैसे कर रहा था बट होस्टिंग कंपनीज के साथ नहीं कर रहा था। और मैंने जब उसने मुझे बताया कि भाई तुम्हारी वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और तुम्हारे बच्चे 8 या 9 मंथ गुजर गए थे, मैंने अपना एफिलिएट का जो डैशबोर्ड था उसका मुझे पासवर्ड तक नहीं पता, तो वो मुझे इंग्लिश में बड़े बड़े मैसेज कर रहा था, मैं यस यस कर दे रहा था उसको बड़े बगैर, तो वो मुझे बोलता है कि भाई तुम्हारे इस वीक की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी अच्छी है, भाई तुमने बड़ा गेम अप की है। मैंने कहा भाई क्या गेम अप कर दी? मैंने कहता है कि तुमने इस मंथ तकरीबन इस वीक में तकरीबन $350-400 बनाए एफिलिएट्स के। भाई साहब मैंने कहा वो है किधर भाई, मुझे दिखाओ किधर है डॉलर किधर है। कहता है कि भाई तुम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करो। भाई मैंने कहा मुझे पासवर्ड ही नहीं पता, उसने मुझे भेजा क्योंकि उसी ने वो सारा सेटअप किया था मेरे लिए, मतलब होस्टिंगर का डैशबोर्ड। मैंने भाई जब उसमें लॉगिन किया तो भाई मैंने देखा कि यार ये तो मजे हैं, वारे नहीं आ रहे। तो अब तक तकरीबन $7,000+ जो है हम वहां से एज एफिलिएट भी कमा चुके हैं, तो तकरीबन $36,000-$35,000 के अराउंड जो है टोटल होस्टिंगर एक वेबसाइट से हम लोग बना चुके हैं। और ये मैं आपको मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इसमें मेरी कुछ एफर्ट्स नहीं है, कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं है,
ठीक है। हाँ, मेरी एफर्ट्स थी एक चैनल को बिल्ड करने में, जो एफर्ट्स लगती हैं वो मैंने लगाई, उससे मुझे आगे रिटर्न मिला। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं शुरू में जब मुझे यूट्यूब चैनल से 18,000 रुपया एडसेंस का बनता था, या शुरू में 12-13,000, क्योंकि तब डॉलर काफी कम होता था, तो 12-13,000 जो है 100 डॉलर बनते थे, 12-13,000 रुपया बनता था, तो वो जब होते थे, अगर मैं वो सोच के यार, मेरे घर वाले बोलते थे यार 12-13,000 18,000 क्या है ये, बट मुझे पता था कि भाई ये लंबी गेम है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो 1-2 साल 3-4 साल मैं कह सकता हूँ मुझे लग गए, बट मैं एक पॉइंट पे पहुंच गया था 2021 के मिड में, मतलब ब्लॉगिंग भी साथ शुरू कर दी, ऑनलाइन काम में घुस गया। किसी भी ऑनलाइन काम में घुस जाते हो फिर साथ दूसरी चीजों आप पे खुलती रहती हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को देखते रहते हो। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर एक स्पॉन्सर से हमने तकरीबन 35-36,000 डॉलर जो है वो बनाए 2 साल के अंदर। तो इसको आप पाकिस्तानी रुपीज में खुद ही आप कन्वर्ट करना और देखना कि कितनी अमाउंट बनती है, और ये ऐसी अमाउंट है जिसको मैं साइड इनकम के तौर पे काउंट करता हूँ, ठीक है। ये वो अमाउंट नहीं है कि भाई ये मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है और इसको मैंने बनाया ये 35,000 डॉलर, ये बहुत ज्यादा नहीं है, 2 साल के हिसाब से अगर देखें तो इतने ज्यादा भी नहीं है, बट एक बहुत अच्छी अमाउंट है ये। तो यस, ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको सुनानी थी कि भाई कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में अभी इस टाइम आ जाओ, कंटेंट बनाओ, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो बनाओ, तो भाई आपकी गेम आप हो सकती है। एफिलिएट मार्केटिंग का भी साथ आपको मैंने बता दिया कि भाई एफिलिएट लिंक प्रमोट करके भी आप पैसा बना सकते हो, जिसका मुझे आइडिया नहीं था, आप में से भी बहुत लोगों को नहीं होगा, और आप फिर अब मैंने होस्टिंगर के जो लिंक है ब्लॉग्स में भी लगाए, ठीक है, हमारे कुछ होस्टिंग से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड ब्लॉग्स थे, उसमें भी कुछ प्रमोट किए, तो उधर से भी हमें कुछ ना कुछ $100-$150 आया, ठीक है, मंथली आया नहीं आ जाता है तो $80 का भी बनते हैं, ठीक है, 2-4 होस्टिंग सेल हो जाती हैं तो उसका एफिलिएट बनता है, तो एफिलिएट में भी अच्छा पैसा है, आप लोग उस साइड पे भी आ सकते हो। तो उम्मीद है ये स्टोरी ने आपको थोड़ा बहुत तो मोटिवेट किया ही होगा, अगर किया है तो लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब, मिलते हैं।